लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी से इस मामले को प्रोब करते हुए, ऑफ कोर्स के मैं आई एम फॉर दिस के ये जो 300-400 जितने भी लोग थे इनको इतनी कड़ी सजा देनी चाहिए कि वो निशान इबरत बन जाएं, लेकिन याद रखिए उनको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इन्वेस्टिगेट करते हुए इस वाक्य के मुहरकात को देखना होगा। और कोई भी जो इस वाक्य की किसी भी तरह उस लड़की की कुलियतन हमायत कर रहा है, उससे ये सवाल करना होगा कि क्या वो अपनी बहन और बेटी को ऐसे किसी काम के लिए मीनारे पाकिस्तान भेजेंगे 7-8 लौंडों के साथ। और वो शी वॉज राइटली रिपोर्टेड कि वो फ्लाइंग किसेस कर रही थी वहाँ। उसने मैसेज दे के, क्या ये फेसबुक मैसेज पे या ट्विटर के मैसेज दे के ये बुलाया है अपने फैंस को कि मैं वहाँ जा रही हूँ और आप लोग आ जाइए और वहाँ मुझसे सेल्फियाँ खिंचवा लीजिए। तो वो लोग कहाँ कहाँ से आए हुए थे, गॉड नोज, पर दे वर पाकिस्तानी। तो वहाँ पहुँचे हैं और उसके होते हुए वो अपने साथ जो लड़के थे उनको हक भी कर रही थी, उनके गालों पर हाथ भी फेर रहे थे। दिस ऑल वॉज हैपनिंग। मैं पूछना ये चाहता हूँ, क्या हरासमेंट यही है कि मर्द जो है वो उसको आवाज़ें कसेगा या छेड़ेगा? क्या ये हरासमेंट नहीं फ्रॉम द साइड ऑफ द गर्ल कि शी इज इनवाइटिंग टू सो मैनी ऑफ द बॉयज, although that is the biggest crime these 400 people have done, but ab is baat par bada gaur karna hoga ki hame harassment ko sirf mard ke hawale se kyu dekhna hai? Aisi ladkiyon ko harassment ka zimmedar thehrana chahiye ki wo hamare yahan ke ladkon ko harass kar rahi hain, and they should not be allowed this way ki wo itna madar pidar azadana tarike se मेरे यहाँ की लड़की को रुसवा करें सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए। मैंने उसकी टिकटॉक्स भी देखी हैं, उसकी वीडियोस भी।